तो कल तो आप लोगों ने मुनव्वर फारूकी का क्रेज देख लिया। एक ऐसा भी क्रेज आपको दिखाऊंगी, जब मैंने देखा ना, मैं लिटरली उस वक्त शॉक हुई, उसके बाद मुझे हंसी भी आई कि मतलब क्या बात है, मतलब बंदे में दम है, इसी वजह से तो लोग इतना ज्यादा क्रेजी हैं उसके लिए। फिलहाल मुझे कई सारे लोगों के आज कॉमेंट आए, स्पेशली कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार दीदी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुनव्वर के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल के उन्होंने मुझे नाम भी बताए कि मतलब मुनव्वर के लिए बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी, अगर आप इग्नोर कर सकते हो ऐसे लोगों को तो बहुत अच्छी बात है कि आप इग्नोर करो, अगर नहीं भी इग्नोर कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप उनके वीडियो देखते हो देखते रहो, लेकिन इतना मत सोचो, क्योंकि ऐसे लोगों का काम होता है, ये किसी ना किसी को फॉलो कर रहे थे, किसी ना किसी को जिताना चाहते थे, इनका फेवरेट बंदा नहीं जीत पाया, इनको ये था कि जिस तरीके से मुनव्वर को गिराने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि मुनव्वर हार जाए। अब मुनव्वर एक तो जीत गया, दूसरी तरफ जो ऑडियंस थी मुनव्वर की, वो उसने दिखा दिया, मुनव्वर की जनता ने दिखा दिया कि उनको मुनव्वर से कितना ज़्यादा प्यार है, वो डोंगरी पहुंच गए मुनव्वर को सपोर्ट करने के लिए। तो लोगों की बुरी तरीके से जली पड़ी है, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं मुनव्वर फारूकी की जीत, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करो। फिलहाल एक क्रेज़ दिखाना चाहती हूँ, जिस वक्त मुनव्वर फारूकी डोंगरी पहुंचने वाले थे, बहुत भीड़ थी, वो तो आपने देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है कि एक लड़की बिल्डिंग पे चढ़ करके, ये देखिए, बिल्डिंग पे चढ़ करके एसी पर बैठ करके मुनव्वर फारूकी का इंतज़ार कर रही है मुनव्वर की एक झलक के लिए। जी हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई है, लोगों ने कहा है कि ऐसा भाई ऐसा भी क्या क्रेज़ था मुनव्वर फारूकी को देखने के लिए कि दीदी आप मतलब आपने ये भी नहीं सोचा कि आप कहाँ पर चढ़े हुए, देखो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, वो चढ़ गई और चढ़ने के बाद मतलब ऑफकोर्स उनका घर होगा, लेकिन आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा रिस्की है, कितना ज़्यादा रिस्की है एसी पर बैठ करके मुनव्वर को देखना, मुनव्वर का इंतज़ार करना। सो इससे नज़र आता है कि लोगों का मुनव्वर के लिए क्या क्रेज़ है। देखिए ये दुनिया है, ये दुनिया ऐसी है जो कि आपको बहुत सारे लोग प्यार भी करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपसे नफरत करेंगे, आपकी सक्सेस से नफरत करेंगे। उन सभी के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, जब ऊपर वाला आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है ना, तो फिर बंदों की क्या ही हम कह सकते हैं, वो तो ऊपर वाला नवाज रहा है ना, इन बंदों से क्या लेना देना है, ऊपर वाला जिसको चाहेगा उसको देगा और जिसको जो करना है ना करने दो, इग्नोर करो ऐसे लोगों को। क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू।